मुहावरे कर दिया 150 पेज दे जल्दा तो आप तो मुहावरे स्टार्ट होंगे ने मुहावरे होंगे ने जड़ी साड़ी गलबात की शैली प्रभावशाली बनाते हैं जिन्हों के शाब्दिक अर्थ कुछ होर होंगे ने भाव अर्थ कुछ होर होंगे फॉर एग्जाम्पल जिमें गल पे ढोल बजाना है एक मुहावरा यदा मतलब गल दे विच पिया ढोल थोड़ी असी बजाना यदा मतलब की है कि जड़ी साड़े कोई चीज साढ़े हिस्से आ गई उन्हों करना ही पैना फॉर एग्जाम्पल तुम स्टूडेंट लाइफ विचर रहे हो तुम पढ़ना है तो तुम पढ़ाई करनी पैनी है तुम चाहे कर लो जेड़े बच्चे दिल न कर लेंगे वह भी कामयाब हो जाएंगे पर जेड़े कहें कि असं पढ़ना नहीं चाहते उन्होंने अनविलिंगली भी पढ़ना पैदा है उन्होंने बच्चों लिए की मुहावरा यूज करा गल पै ढोल बजाना ही पैना हूँ जब पता है कि तो 5-7 साल पढ़ाई देने करनी पैनी इन मुहावरे कहते जिसका शादी कर कुछ हो ठीक है हुण आपां जज्जा पा करिए जबान नूं लगाम दे नी 91 पे तो 91 नंबर ते मुहावरा है जबान नूं लगाम दे नी हुण इहदा मतलब इह थोड़ी अपनी जबान नूं असीं बन्न लई है इहदा की भाव अर्थ होया कि सोच समझ के बोलो ठीक है जबान नूं लगाम दे नी चुप कराउणा किसे नूं चुप कराउणा जिवें तुहानूं बच्चां नूं आपां कहिंदे जी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए पढ़ते समय अपनी जबान नूं लगाम लगा के रखना चाहिए ठीक है सिर्फ तुसीं मीनिंग लिख लो जिहड़े वाक हुंदे ने ना मुहावरियां दे उह किवें बनाई गया सोशल लाइफ नूं फोकस करके अपनी परसनल लाइफ नूं फोकस करके मुहावरे बनाई दे जिवें किसी की जमीन जायदाद है पिंडां दे विच तां आम मुहावरे यूज कर देंदे ठीक है ना पिंडां दे विच जिहड़ियां सियाणियां औरतां ने आम मुहावरे यूज करदियां ने किसे नूं सिद्धे डायरेक्ट वे नाल कोई गल ना समझाउणी होवे इनडायरेक्ट वे नाल समझाउणी होवे ठीक है जबान नूं लगाम दे नहीं चुप कराउणा जाग लगना हुण जाग लगना दा मतलब इह थोड़ी है कि जिवें ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜਾਗ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਗਨ ਲੱਗਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਾਂ ਵਾਕ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ असर होना असर लगना ही असर होना चा लगन होनी की बनाओगे उसनु पढ़ाई दी जेही जाग लगी दिन रात उन्हें कर देता कि मैं पहले नंबर पे आऊं देश भगतां नु देश भगति की जाग लगी थी जिस करके उन्होंने अपना सुख आराम ही त्याग दिता जाग लगनी समझते हो किसे तो है कोई लगन लग जानी हुण विद्यार्थी जीवन विच बच्चों कदी जाग लगनी चाहिए है पढ़ाई की जाग लगनी चाहिए ये सारी जिंदगी ऐश करनी है जे एक बार कई जे हूँ ओल्ड एज चले जाते हैं उन्होंने कदी जाग लगती है रब के नाम की भक्ति की जाग लग गई है नाम सिमरन की जाग क्लियर उसनों पढ़न की ऐसी जाग लगी है कि उन्हें टीवी देखना घरों बाहर निकलना छड़ दिता है दिन रात मेहनत कर रहे हैं नेक्स्ट जहर फलाना दृष्टांत है जहर की है जिहड़ी माड़ी चीज है जिहड़ी जिंदगी नूं की कर दिंदी है कि आपां जहर पी लई है ना इत्थे भाव अर्थ की निकलिया जहर फलाउणी नफरत करना जहर फलाउणा नफरत फलाउणी चाचे ताए हुंदे ने दोनों भरावां दा प्यार देख के एक दूजे दे मन विच एक दूजे लई माड़े वर्ड यूज करते ते जहर फैला दित्ते उह बेचारे लड़ाई दी नौबत ते आ गए ठीक है नैक्सट नैक्सट है जबान दब के कहना भूली जे कहना
पता ही ना चले जबान दब के कहना। कोई घर की कोई गल बात है ना, उन्होंने अपने पिता नु, उसने अपने पिता नु जड़ी है जबान दब के कहती कि कोई सुनना लवे। जेड़े कोई पर्सनल मैटर होंगे आप कहने ना रूम बंद करो चुप करके, क्योंकि कंधा दे भी कान होंगे। जबान दब के कहना, बोली जी कहना। और उसने अपने मित्र नु जबान दब के कहा कि अज आप स्कूल ना जाइए, ठीक है, कुछ चुप करके कुछ सुनना ले। नेक्स्ट, जबान बंद करनी, किसी नु बोलन ना देना, जबान बंद करनी। हुण तुसी देखो आम जिंदगी विच तुसी मूवीज देखते हो कि किसी ने कोई अदालत च गवाही देनी है ते उन्हें थोड़े जे पैसे दे दिते है कि जबान बंद करा दी कि तू उत्थे उत्थे बोलना नहीं है, ठीक है। सेठ ने नौकर नु थोड़े जे पैसे वध दे के उसकी जबान बंद करवा दी कि उसके भरा सामने उसने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि दोनों सेठ ते उहदा भरा भाईवाल ने, जिवें भाईवाल होंदे ना पार्टनरशिप। ते नौकर है जिहड़ा इतनी फेवर ते उहने देख लिया कि सेठ कोई विच कपला कर रहा है ते उहनूं जबान बंद करन लई पैसे दे दित्ते कि तू वड्डा मेरा ब्रदर आएगा उहदे सामने कुछ नहीं बोलना। मीनस किसी नूं कोई पैसे दे के उहनूं चुप करा देना कि तू मेरे विरुद्ध नहीं बोलना है। ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ, ਇਹ ਜੱਜਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਈ ਹੈ ਲਿਆਕਤ, ਲਿਆਕਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਅਕਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਚ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਦਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ, ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਆਖਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ, ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਬਾਰ ਬਰਬਾਦ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਹ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਹ ਫੇਰੇ ਮਾਰਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਹ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜ ਪਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਏ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਣਕ। ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ। ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਵਿਸਮਿਕ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਨਾਓ ਟੇਕ ਆਊਟ ਯੋਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ੀਟ, ਟੈਸਟ ਸ਼ੀਟ, ਟੈਸਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਲਾਸ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ ਲਿਖੋ,
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स ए सेट पे फोकस करोगे तुसी ए सेट पे फोकस करोगे ड्यूरिंग टेस्ट पिन ड्रॉप साइलेंट शुड बी हियर नो नेक्स्ट मूवमेंट नो लेफ्ट मूवमेंट यस बच्चे सेट ए सेट बी ए सेट बी सेट ए सेट बी सेट ए सेट एक बार में स्पेस ना दे उसका लिखो फर्स्ट पार्ट ए सेट फर्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छी गान किया है बी सेट रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम लिखो रविंद्रनाथ टैगोर ने किताब वापस किया नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेट बी रविंद्रनाथ मात भाषा केड़ी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स योर वीडियो शुड बी ऑन टर्न ऑन योर वीडियो ड्यूरिंग टेस्ट नंबर फोर बी टेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर से टैगोर के पिता जी की कंपटीशन नंबर फाइव
ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਨ नंबर रविंद्र ने टैगोर पढ़ा लिखने के क्वेश्चन रविंद्र ने टैगोर का जन्म किसे हुआ अपना संगीत बनाया During test, no need to speak up. Last question. A series part of the thing. शब्द लिखने के नाल जिवें एग्जांपल किवें देनी है तुहानू पता होना चाहिए
सेंटेंस नहीं देनी क्योंकि वन मार्क का क्वेश्चन आते हैं नंबर का ठीक है इधर इतना बात इतना बात इसमें दिया दो डालना हाँ जी पर देखो टाइम है तो सेंटेंस भी दे ठीक है सेंटेंस भी लिख सकते हैं कमाल है एक तस्वीर तुम बनाई है डंडी इधर विस्तृत चीज लगया होया लेसन जड़ियां लास्ट क्वेश्चन चे दो धारणा देनी है तो सेंटेंस भी पूरा लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि फोकस करना है जरा शब्द से लिखोगे वो दिन आज तो सी सेंटेंस भी उन अंडरलाइन कर हाँ जी बच्चे वर्ड्स भी लिख सकते हो ओके दो शब्द लिखने हैं विस्मिक शब्द या दो उदाहरण देनी है उन्हें भी पूरे नंबर मिलने हैं क्योंकि अध्याय दे नंबर दा चलो डू योर टेस्ट ऑनेस्टली कमाल है ये तस्वीर बनाई है खबर का देखो कल कम कितना Be quick with it. Online students rename करके PDF send करना बेटे paper ते simple paper ते करके नहीं send करोगे PDF done बेटे problem you have done your test. बेटे विजिबल है ब्लैकबोर्ड विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट ओके सर तेरा फर्स्ट है सात शब्द दे दो दो अर्थ शब्द चुनो दो दो अर्थ शब्द लिखो रविंद्र नाथ के गोदे इन्हें पैन पर आता है Be quick, बेटे, hurry up. हम अपना पीरियड आना फ्राइडे नो ना बच्चे तो ग्रामर रीडर बुक लेके आना अपना लेसन स्टार्ट करेंगे ठीक है और लेसन तुसी होमवर्क च रीड करना लोडी लेसन ठीक है बी क्विक बेटे टेस्ट शीट के ऊपर नेम क्लास सेक्शन लिखो सिक्स क्वेश्चन है जिन्होंने आंसर एक वाक्य देने हैं उसके बाद ग्रामर दे टू थ्री क्वेश्चंस